हेलो दोस्तों, क्वार्टर टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गीजर की वायरिंग। हमने पिछले वाली वीडियो में गीजर किस तरीके से काम करता है, गीजर के एक एक पार्ट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल से बताया है। किस पार्ट्स का क्या काम होता है वो हमने पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अभी बात करेंगे ओनली बस गीजर की वायरिंग, किस तरीके से करते हैं, आइए देखिए। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले न्यूट्रल फेस प्राप्त होता है। इसके अलावा एक और वायर रहता है अपने अर्थ का वायर। अर्थ के वायर को कहीं भी बॉडी में लगा सकते हैं। न्यूट्रल फेस के माध्यम से गीजर की वायरिंग करेंगे। वायरिंग के नियम के आधार पर हम सबसे पहले न्यूट्रल के वायर की वायरिंग करेंगे। न्यूट्रल के वायर को सबसे पहले सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना, ये अपना वायरिंग का नियम है। न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है, ये भी अपने उपकरण है। उपकरण किसे बोलते हैं, जिसके अंदर न्यूट्रल फेस दिया जाता है, जिससे हमें लाभ प्राप्त होता है, वो उपकरण कहलाता है। ये भी उपकरण अपने इंडिकेटर है। इसमें दो तरह के इंडिकेटर रहते हैं, एक रेड इंडिकेटर, एक ग्रीन इंडिकेटर। उसके बाद एक अपने ये हीटिंग एलिमेंट, ये हीटिंग एलिमेंट महत्वपूर्ण पार्ट है। देखते एक बार और न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। ये उपकरण अपने तीनों उपकरण थे, तो तीनों को एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दिया न्यूट्रल के वायर को। न्यूट्रल का काम खत्म। अब इसके बाद अपना फेस का वायर, क्या करेंगे, इसके अंदर है दो थर्मोस्टेट, एक रिसेट थर्मोस्टेट, एक ऑटोकट थर्मोस्टेट। यह रिसेट थर्मोस्टेट भी अगर ये 95 डिग्री पानी होने पर यह अपना सप्लाई को कट कर देता है, और ये अपना ऑटोकट थर्मोस्टेट है। ये ऑटोकट थर्मोस्टेट में हमें कितने डिग्री सेल्सियस का पानी चाहिए उस तरीके से ये अपने इच्छा अनुसार सेट कर सकते हैं। अधिकतर आपने देखा होगा 60 से 65 डिग्री टेम्परेचर का रखते हैं, तो 60 से 65 डिग्री इसके अंदर पानी गर्म होता है गीजर के अंदर, और ये अपने सप्लाई को कट कर देता है। अगर बाई चांस ऑटोकट थर्मोस्टेट खराब हो जाता है तो रिसेट थर्मोस्टेट उसे कट करता है। अब अपने दो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर ये अपने विद्युत की सप्लाई को बताता है, तो गीजर के अंदर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, उस सप्लाई को दिखाने का काम अपने रेड इंडिकेटर करता है। ग्रीन इंडिकेटर उसकी वर्तमान स्थिति को बताता है, गीजर चालू है कि नहीं है उस स्थिति को बताता है ग्रीन इंडिकेटर, और इसके अंदर सप्लाई है कि नहीं है उसे रेड इंडिकेटर बताता है। तो दोस्तों, सबसे पहले फेस के वायर को रेड इंडिकेटर में लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से आउट कराते हैं और रिसेट थर्मोस्टेट में देंगे। रिसेट थर्मोस्टेट के किसी पॉइंट में दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आउट होता है और अपने ऑटोकट थर्मोस्टेट में देंगे। ऑटोकट थर्मोस्टेट से आउट होता है, अपना कहाँ जाता है, अपने ये ग्रीन इंडिकेटर को जाता है। ऑटोकट थर्मोस्टेट से आउट होता है, एक पॉइंट तो अपने ग्रीन इंडिकेटर को मिलेगा और दूसरा जो अपने हीटिंग एलिमेंट को मिलेगा। तो अपने एक तो पॉइंट तो ग्रीन इंडिकेटर को दे दिया और दूसरा पॉइंट अपने हीटिंग एलिमेंट को दे देंगे। तो इस हीटिंग एलिमेंट को न्यूट्रल तो पहले मिल चुका था, दूसरे अभी ऑटोकट थर्मोस्टेट के माध्यम से इसे फेज भी मिल गया। तो न्यूट्रल फेस की सप्लाई से मिल चुकी है, तो ये अपने काम करने लग जाएगा हीटिंग एलिमेंट। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार वायरिंग समझा देता हूँ शॉर्टकट में। एक एक पॉइंट में न्यूट्रल का वायर जोड़ दिया, इसके बाद अपने फेस का वायर, सबसे पहले रेड इंडिकेटर में देंगे, इसके बाद अपने रिसेट थर्मोस्टेट में देंगे। रिसेट थर्मोस्टेट से आउट होता है, ऑटोकट थर्मोस्टेट में जाता है, और ऑटोकट थर्मोस्टेट से आउट होता है या अपने हीटिंग एलिमेंट में जाता है। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गीजर की वायरिंग है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों, वायरिंग आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर इस वायरिंग से संबंधित आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए, और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।